गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इन द लास्ट वीडियो वी हैव सीन हाउ टू ओपन स्टार्ट मेनू, हाउ टू पिन अ प्रोग्राम एंड हाउ टू अनपिन इट। नाउ वी विल सी वर्किंग विद विंडोज। फर्स्ट वन इज मिनिमाइज, दैट मीन्स मिनिमाइज अ विंडो। मिनिमाइज का यूज विंडो को मिनिमाइज करने के लिए होता है। सेकेंड वन इज मैक्सिमाइज, यानी कि मेक अ विंडो बिगर। मैक्सिमाइज का यूज विंडो को बिग करने के लिए यूज होता है। थर्ड वन इज रिस्टोर डाउन, दैट मीन्स मेक अ विंडो स्मॉलर, यानी कि विंडो को स्मॉल करने के लिए यूज होता है। हमारा फोर्थ वन है क्लोज। क्लोज का यूज होता है क्लोज अ विंडो, यानी कि विंडो को क्लोज करने के लिए, कोई भी प्रोग्राम बंद करने के लिए क्लोज बटन का यूज होता है। फिफ्थ वन इज विंडो एक्सप्लोरर, व्यू ओपन डॉक्यूमेंट्स और लाइब्रेरीज ऑन वन बटन। दैट मीन्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी को देखने के लिए विंडो एक्सप्लोरर का यूज होता है। सी इन द बुक, फर्स्ट वन इज मूव अ विंडो। इन दैट फर्स्ट क्लिक ऑन स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार, यू विल सी द स्टार्ट मेनू। तो अब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो ये है हमारा डेस्कटॉप, आप यहां पर देख सकते हैं कई सारे आइकन्स है, ये सारे के सारे आइकन्स है। और ये है हमारा टास्क बार, ये हमारा टास्क बार है, आप यहां पर देख सकते हैं। और टास्क बार में ही स्टार्ट बटन होता है, आप यहां पर देख सकते हैं बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में, यह है हमारा स्टार्ट बटन। सी इन द बुक, फर्स्ट क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे, यह है हमारा स्टार्ट बटन, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यह है हमारा स्टार्ट मेनू, ये पूरा का पूरा स्टार्ट मेनू है। आप यहां पर देख सकते हैं राइट पेन में ये है हमारी लाइब्रेरीज। देयर आर मेनली थ्री लाइब्रेरीज, फर्स्ट वन इज डॉक्यूमेंट, सेकेंड वन इज पिक्चर्स एंड थर्ड वन इज म्यूजिक। ये तीनों हमारी लाइब्रेरीज है। In the book, second one is on the right pane of start menu, you can see the three default libraries, documents, pictures and music. आप यहां पर देख सकते हैं documents, pictures and music. Turn your page. Remember, first one is document library. It is used to store and organize text file. Text file यानी कि notepad file.
वर्डपैड डॉक्यूमेंट्स, वर्ड डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट एटसेट्रा। यानी कि डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में हमारा डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट फाइल हो सकती है, या फिर वर्ड फाइल हो सकती है, स्प्रेडशीट हो सकती है, या फिर प्रेजेंटेशन भी हो सकता है। बाय डिफॉल्ट ऑल फाइल्स दैट यू सेव, मूव और कॉपी आर स्टोर्ड इन माय डॉक्यूमेंट्स फोल्डर इन डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी। अब जो भी फाइल या फिर फोल्डर सेव करेंगे या फिर मूव करेंगे या फिर कॉपी करेंगे, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में सेव होंगे। ठीक है। सेकंड वन इज पिक्चर्स लाइब्रेरी। इट इज यूज्ड टू स्टोर एंड रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइज पिक्चर्स सच एज फोटोग्राफ्स और इमेजेस फ्रॉम योर कैमरा, स्कैनर और ईमेल्स। बाय डिफॉल्ट ऑल पिक्चर्स दैट यू सेव, मूव और कॉपी आर स्टोर्ड इन माय पिक्चर फोल्डर इन पिक्चर लाइब्रेरी। यानी कि आपके पास जो भी फोल्डर है वो आप सेव करेंगे या फिर मूव करेंगे या फिर कॉपी करेंगे, वो किसमें सेव होंगे? माय पिक्चर फोल्डर इन द पिक्चर लाइब्रेरी। यानी कि पिक्चर लाइब्रेरी में माय पिक्चर फोल्डर के नाम में सेव होंगे। थर्ड वन इज म्यूजिक लाइब्रेरी। इट इज यूज्ड टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज म्यूजिक। ये लाइब्रेरी है वो म्यूजिक स्टोर करने के लिए होती है, सच एज सॉन्ग्स दैट यू पिक फ्रॉम ऑडियो सीडी और डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट। आप इंटरनेट में से जो भी सॉन्ग डाउनलोड करते हैं, सॉन्ग यानी कि MP3 भी हो सकता है या फिर वीडियो भी हो सकता है, वो कहां पर सेव होगा? म्यूजिक लाइब्रेरी में। तो आप यहां पर देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में बाय डिफॉल्ट जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में सेव होते हैं। उसके बाद है पिक्चर्स लाइब्रेरी, यानी कि जो भी पिक्चर्स, फोटोज, इमेजेस है वो पिक्चर्स लाइब्रेरी में सेव होंगे। उसके बाद है म्यूजिक लाइब्रेरी, यानी कि कोई भी सॉन्ग, वीडियो वो म्यूजिक लाइब्रेरी में सेव होंगे। सी इन द बुक। थर्ड वन इज क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट्स टू ओपन डॉक्यूमेंट विंडो। तो हम डॉक्यूमेंट विंडो ओपन करेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं, ये है हमारी डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। तो आप यहां पर देख सकते हैं कई सारे फोल्डर्स और फाइल्स है। सी द माउस पॉइंटर। ये है हमारा टाइटल बार। आप यहां पर देख सकते हैं माउस पॉइंटर को, ये है हमारा टाइटल बार। ये हमारा टाइटल बार है। ये वाला। और आप यहां पर देख सकते हैं तीन बटन है, वो है कंट्रोल बटन। फर्स्ट वन इज मिनिमाइज, सेकंड वन इज रिस्टोर डाउन एंड थर्ड वन इज क्लोज। ये तीनों को साथ में कंट्रोल बटन बोलते हैं। सी इन द बुक। फोर्थ वन इज प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द टाइटल बार ऑफ द विंडो, देन प्रेस एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस
अप डाउन लेफ्ट और राइट. द विंडो विल मूव्स एज यू ड्रैग द माउस इन एनी डायरेक्शन. यानी कि जैसे हम माउस को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वैसे ही हमारा विंडो ड्रैग एंड ड्रॉप होगा, यानी कि विंडो मूव होगा. उसके बाद रिलीज द माउस बटन एंड द विंडो विल बी रिलोकेटेड एट द प्लेस. तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ. तो सबसे पहले हम अपने विंडो को थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, यानी कि रिस्टोर डाउन कर लेते हैं. आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा विंडो रिस्टोर डाउन हो गया है. तो सबसे पहले हम टाइटल बार में क्लिक करेंगे. ये है हमारा टाइटल बार. आप यहाँ पर माउस पॉइंटर को देख सकते हैं, ये है हमारा टाइटल बार. तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे और क्लिक को प्रेस रखेंगे. उसके बाद हम माउस को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे. जैसे मैं अपने माउस को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा वैसे ही हमारा विंडो मूव होगा. आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं अभी प्रैक्टिकल कर रहा हूँ. आप देख सकते हैं हमारा विंडो ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है. देखो अप डाउन लेफ्ट राइट. अब मैं अपने माउस बटन को छोड़ रहा हूँ. जैसे मैंने माउस बटन छोड़ दिया वैसे ही हमारा विंडो रिलोकेटेड हो गया, यानी कि विंडो अब मूव नहीं होगा. यह है मिनिमाइज का बटन. इसका यूज क्या होता है, जैसे ही मैं मिनिमाइज का बटन के ऊपर प्रेस करूंगा वैसे ही हमारा विंडो मिनिमाइज हो जाएगा. आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपना विंडो मिनिमाइज कर रहा हूँ. देखो जैसे ही मैंने विंडो मिनिमाइज किया वैसे ही यहाँ से विंडो हाइड हो गया और वो कहाँ पर चला गया, टास्क बार में. आप यहाँ पर देख सकते हैं यह है हमारा टास्क बार. तो वो है, ये है हमारे एक्टिव विंडोज. उसके बाद है मैक्सिमाइज, यानी कि विंडो को बिगर करने के लिए. अब मैं विंडो को मैक्सिमाइज कर रहा हूं. आप देख सकते हैं विंडो फुल स्क्रीन में हो गया. एंड थर्ड वन है क्लोज. जैसे मैं क्लोज करूंगा वैसे ही हमारा विंडो क्लोज हो जाएगा. अब मैं क्लोज के बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूं. आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने क्लोज के बटन के ऊपर क्लिक किया वैसे ही हमारा विंडो क्लोज हो गया. सी इन द बुक पेज नंबर 29 सेकंड वन ओपन मल्टीपल विंडोज. यानी कि मल्टीपल विंडो कैसे ओपन करते हैं. We will open documents, pictures and music window together. यानी कि हम तीनों को साथ में ओपन करेंगे. In that, first one, click on start button on the taskbar. You will see the start menu. तो सबसे पहले हम start button में क्लिक करेंगे. और start button कहाँ पर होता है, taskbar में. ये है हमारा taskbar. और ये है स्टार्ट बटन. तो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे. जैसे ही मैंने स्टार्ट बटन में क्लिक किया वैसे ही हमारा स्टार्ट मेनू ओपन हो गया. ऑन द राइट पैन ऑफ स्टार्ट मेनू यू कैन सी द थ्री डिफॉल्ट लाइब्रेरीज डॉक्यूमेंट्स पिक्चर एंड म्यूजिक. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है हमारी लाइब्रेरीज. देयर आर मेनली थ्री लाइब्रेरीज. फर्स्ट वन इज डॉक्यूमेंट्स पिक्चर्स एंड थर्ड वन इज म्यूजिक. क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट्स टू ओपन डॉक्यूमेंट विंडो. रिमेंबर इफ डॉक्यूमेंट्स विंडो ओपन एज अ स्मॉलर विंडो क्लिक ऑन मैक्सिमाइज ऑन द टाइटल बार टू मैक्सिमाइज द विंडो. यानी कि हमारा विंडो स्मॉलर होगा तो उसको बिगर करने के लिए हम मैक्सिमाइज में क्लिक करेंगे. तो सबसे पहले हम
अपना डॉक्यूमेंट विंडो ओपन करेंगे। ये वाला डॉक्यूमेंट विंडो, हमारा डॉक्यूमेंट विंडो ऑलरेडी बिगर ही है। अगर ऐसा स्मॉलर होगा तो हम मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे। ये है हमारा मैक्सिमाइज बटन। जैसे ही हम मैक्सिमाइज में क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा विंडो बिगर हो जाएगा। टर्न योर पेज, पेज नंबर 30। ऑन द स्टार्ट मेनू क्लिक ऑन पिक्चर्स टू ओपन पिक्चर विंडो। तो सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंट विंडो ओपन कर लिया। अब हम फिर से स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे और उसके बाद हम पिक्चर विंडो ओपन करेंगे। तो ये है हमारा स्टार्ट बटन। उसके बाद हम पिक्चर विंडो में क्लिक करेंगे। ये है हमारी पिक्चर्स लाइब्रेरी। तो उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने पिक्चर लाइब्रेरी में क्लिक किया वैसे ही हमारी पिक्चर लाइब्रेरी ओपन हो गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक फोल्डर है, उसमें कई सारे पिक्चर्स हैं, ये सारे के सारे इमेजेस हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं माउस पॉइंटर को, देयर आर मेनली 9 आइटम्स। ये सारे के सारे 9 आइटम्स है। पिक्चर इज द एक्टिव विंडो नाउ। यू कैन सी इट्स टाइटल बार इन डार्कर शेड देन डॉक्यूमेंट विंडो। सी इन द पेज नंबर 31। फोर्थ वन इज क्लिक ऑन म्यूजिक टू ओपन म्यूजिक विंडो। तो अब हम हमारा थर्ड विंडो ओपन करेंगे, दैट इज म्यूजिक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट विंडो, स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे। ये है हमारा स्टार्ट बटन। उसके बाद हम म्यूजिक में क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने म्यूजिक में क्लिक किया वैसे ही हमारा म्यूजिक विंडो ओपन हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक फोल्डर है और उसमें 3 फाइल है, वो है म्यूजिक फाइल। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 फाइल्स दिखाई दे रही है, 3 आइटम्स। अब हम तीनों विंडो साथ में देखते हैं। ये है हमारा म्यूजिक विंडो, ये है पिक्चर विंडो और ये है हमारा डॉक्यूमेंट विंडो। तो आप देख सकते हैं, ये है हमारे तीनों विंडो। ये है म्यूजिक विंडो, ये है पिक्चर विंडो और ये है डॉक्यूमेंट विंडो। सी इन द बुक देर आर 3 ओपन विंडोज ऑन द डेस्कटॉप। म्यूजिक विंडो इज द एक्टिव विंडो नाउ। यू कैन सी द टाइटल बार इन द डार्कर शेड देन द अदर 2 विंडोज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बुक्स में म्यूजिक विंडो एक्टिव है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट विंडो एक्टिव है। आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट विंडो हाईलाइट है। सी इन द बुक ऑन द टास्क बार यू कैन सी द विंडोज एक्सप्लोरर बटन। आपको अपनी बुक्स में दिखाया हुआ है कि विंडो एक्सप्लोरर बटन कहाँ पर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारा विंडोज एक्सप्लोरर। जैसे ही मैं अपना माउस पॉइंटर उसके ऊपर ले जाऊंगा तो जितने भी विंडोज ओपन है वो सारे के सारे यहाँ पर दिखाई देंगे। तो हमारे यहाँ पर 4 विंडोज ओपन है, 1, 2,
3 and 4. Turn your page number 32. Place the mouse pointer over Windows Explorer. You will see smaller window of the open libraries. जैसे ही मैं अपना माउस पॉइंटर विंडोज एक्सप्लोरर के ऊपर ले जाऊंगा, वैसे ही विंडोज हाईलाइट होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 4 विंडोज है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा म्यूजिक विंडो हाईलाइट है, यानी कि ये विंडो एक्टिव विंडो है। See in the book, point to any window to see its content. यानी कि हमको जो भी विंडो देखना है वो उसके ऊपर हम माउस पॉइंटर ले जाएंगे। देखो जैसे मैं अपने माउस पॉइंटर को यहाँ पर ले गया, वैसे ही सारे विंडो दिखाई दे रहे हैं। In the book, thus in Windows, you can open many windows at the same time and access them whenever you want to. यानी कि कोई भी विंडो को हम सेम टाइम में एक्सेस कर सकते हैं। However, you can work in only one window at a time. That window is called active window. यानी कि हम कोई भी विंडो को एट अ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमको वर्क करना है तो कोई भी एक विंडो पर वर्क कर सकते हैं। तो हमने आज देखा कि मल्टीपल विंडो कैसे ओपन कर सकते हैं। तो हम वीक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे, और स्टार्ट बटन कहां पर होता है? टास्क बार में। ये है हमारा टास्क बार, ये वाला, और ये है हमारा स्टार्ट बटन। जैसे ही मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करूंगा, वैसे ही हमारा स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। ये है हमारा स्टार्ट मेनू, ये है हमारी राइट पेन, इसे बोलते हैं राइट पेन। इन द राइट पेन देयर आर मेनली 3 लाइब्रेरीज। फर्स्ट वन इज डॉक्यूमेंट, सेकंड वन इज पिक्चर, एंड थर्ड वन इज म्यूजिक। अगर हमको मल्टीपल विंडो ओपन करना है तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे, उसके बाद उस विंडो को मिनिमाइज करके पिक्चर विंडो को ओपन करेंगे, उसके बाद हम थर्ड यानी कि म्यूजिक विंडो को ओपन करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों का तीनों विंडो ओपन ही है, और ये म्यूजिक विंडो हमारा एक्टिव विंडो है। देख सकते हैं म्यूजिक विंडो हाईलाइट है, हाईलाइट है यानी कि ये विंडो एक्टिव है। यह है हमारा म्यूजिक विंडो। म्यूजिक विंडो में हम म्यूजिक सुन सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 म्यूजिक है। मैं आपको एक प्ले करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने फाइल में क्लिक किया, वैसे ही म्यूजिक प्ले हो रहा है। अब मैं क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद हम ये विंडो को क्लोज कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोज बटन है, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे मैंने क्लोज के बटन के ऊपर क्लिक किया, वैसे ही हमारा विंडो क्लोज हो गया। अब हम देखेंगे पिक्चर्स विंडो, यानी कि हम पिक्चर देखेंगे। जो भी हम पिक्चर डाउनलोड करते हैं वो यहाँ पर सेव होता है।
पिक्चर लाइब्रेरी में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे पिक्चर से हम कोई भी एक पिक्चर ओपन करते हैं। तो यह है पेंगुइन। आप देख सकते हैं जैसे मैंने पिक्चर ओपन किया वैसे ही पिक्चर बड़ा हो गया। अब हम एबी विंडो को क्लोज कर देंगे। अब हम देखेंगे डॉक्यूमेंट विंडो। यह है हमारा डॉक्यूमेंट विंडो, यानी कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल यहाँ पर होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पॉट नाम का फोल्डर है, ये वाला जो मैंने क्लिक किया उसके अंदर दो फाइल्स है, नहीं उसके अंदर सॉरी उसके अंदर दो फोल्डर्स है। फर्स्ट वन इज इंडोर गेम्स एंड सेकंड वन इज आउटडोर गेम्स। आप देख सकते हैं आउटडोर गेम के फोल्डर में एक फाइल से उसका नाम है हॉकी। यह है हमारी डॉक्यूमेंट फाइल। सो स्टूडेंट, आज हमने देखा कि हाउ टू मूव अ विंडो एंड हाउ टू ओपन मल्टीपल विंडोज। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी मेक अ विंडो एक्टिव, मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन, मैक्सिमाइज एंड क्लोज अ विंडो। Bye, take care.